हेलो दोस्तों, मदेरणा उच्चन टेक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम असेंबल करने वाले हैं 200 वोल्ट और मोनो में। ये एम्पलीफायर बोर्ड है जिसमें इन्वर्टर जो 12 वोल्ट से कन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें 12 से 35-0-35 और 40-0-40 तक की सप्लाई निकाल सकता है। तो देखिए इसमें दोस्तों ये सेक्शन इधर एम्पलीफायर है और ये इधर कन्वर्टर सेक्शन है, इधर की साइड ऊपर। तो दोस्तों इसका एम्पलीफायर असेंबल करेंगे हम। तो ये बोर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसमें एक एम्पलीफायर कंप्लीट करके आपको इसका पूरा कनेक्शन बताएंगे। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो पूरी एक एक तार की वायरिंग बताएंगे हम आपके लिए। आप खुद भी घर पे एम्पलीफायर असेंबल कर सकते हैं इसके लिए, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो आप खुद ही असेंबल कर पाएंगे अगर आपको ज़रूरत है एम्पलीफायर की। तो दोस्तों ये वाली कैबिनेट है, इसमें हमने ये अहूजा यूएसबी मॉडल है, यूएसबी वीटी है, यूएसबी कार्ड। दोस्तों इसमें यहाँ पे आउटपुट है ये वाली और ये इसमें 5 वोल्ट इनपुट है। यहाँ पे ये ऑक्स के लिए है और ये अलग अलग केबल दी हुई है इसमें। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और जिसमें हम पूरी एक एक वायर की जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसमें ये वाली बेस्टरबल यूज करेंगे हम, ये मोनो में बोर्ड है तो ये सिंगल आउटपुट के लिए है, स्टीरियो में डबल आती है। और दोस्तों इसमें बेस्टरबल और एक मिड वाला फंक्शन भी है इसमें। इसमें ये मेड के लिए बीच वाले तार और ये इसमें लूज में लगाया हमारा, इसमें कैबिनेट के हिसाब से, कैबिनेट में ये दोनों एक साथ नहीं बैठ रहे थे इस वजह से। तो दोस्तों इसके लिए हम इसमें 12 वोल्ट वाली वायर, 1.5 mm की वायर है, इसको यूज करेंगे। और इसमें ये हमने ऑन ऑफ स्विच लगा रखा है इसमें, बढ़िया वाला ओरिजिनल में है। तो दोस्तों इसके लिए हम इसको, और एक इसमें ये हमने रेगुलेट आईसी 7805 ये यहाँ पे अलग से लगाई हुई है, क्योंकि इस बोर्ड में ये साथ में इनबिल्ट नहीं आती है। तो इस यूएसबी वीटी के लिए जब आप इसके लिए यूएसबी कार्ड के लिए 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये अलग से यूज करनी पड़ेगी 7805। तो उसके लिए हमने ये हीट सिंक में लगाई हुई है। और देखिए दोस्तों इसमें हमने अलग से जीनर लगाया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा आ जाते हैं तो यूएसबी कार्ड को फूकने का चांस बढ़ जाता है, तो इस वजह से इसमें 6 वोल्ट का इसमें जीनर लगा दिया है। इसमें ये वायर है, फर्स्ट पिन इनपुट की है, बीच वाली ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट आउट की है इधर वाली। तो दोस्तों इस तरह से इसकी फिटिंग करनी है और इसमें यहाँ पर 12 वोल्ट जाएगी और ये वाली हमारी 5 वोल्ट इसमें यहाँ पे इनपुट हो जाएगी यहाँ पे। और इसमें ऑडियो के लिए आउट के लिए ये वाली पिन है, ये ऑक्स के लिए है इसमें, और ये अलग अलग सॉकेट दी हुई है इसमें। माइक के लिए भी ये अलग अलग दी हुई हैं, तो उस पर मेंशन हुआ आता है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसको हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑन ऑफ स्विच है इसको यहाँ पे कस देते हैं। ये इसमें 2 वायर हैं, एक वायर ये अर्थ नेगेटिव है और ये वाली पॉजिटिव है, तो ये पूरी वायर यहाँ तक स्विच तक जाएगी और दूसरी यहाँ पे जाएगी जो पीसीबी में कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए इसको हम यहाँ पर कस देते हैं इसमें पावर वाले
पावर वाला स्विच जगह दी हुई है इसमें, ये कस जाएगी। दोस्तों इसमें ये नॉब हम कस देंगे, काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है तो इस वजह से इसमें स्विच भी ऑन ऑफ वाला हैवी लगाया हमने, जिसकी क्षमता अच्छी क्षमता है। इसका एम्पियर बता देता हूँ मैं आपको इसको देख के, तो दोस्तों लगभग 15 एम्पियर तक की क्षमता आती है इसकी। ये वाला स्विच है, देखिए इसमें काफ़ी हैवी स्विच है। तो दोस्तों अब इसमें मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि इसकी कन्वर्टर सप्लाई है इधर, ये वाली, तो यहाँ पे डायोड लगाता है ये वाला यहाँ पे, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें 2235 है इसमें, सॉरी तो 2235 हो सकता है, 1035 या 4735। तो दोस्तों इसका नेगेटिव इधर इस वाली पिन पे नेगेटिव लगेगा, जो हमने ये ग्राउंड के लिए दिया है, जिसको हम इसकी कैबिनेट की बॉडी की बॉडी में अटैच करेंगे इसको, यहाँ पे कहीं भी खुरच के इसको बॉडी में सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों इसका नेगेटिव डायोड पे नेगेटिव इधर और पॉजिटिव प्लस वाला इधर की साइड में लग जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, और इसी पे से हमारे लिए रेगुलेट 5 वोल्ट की सप्लाई लग जाएगी। तो दोस्तों इसको हम सोल्ड कर देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है डायोड ये, इसको हम प्लस वाला यहाँ पे लगा देंगे और नेगेटिव वाला इधर लगा देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। दोस्तों ये यहाँ पे लाल वाली वायर हमारी प्लस की है, बैटरी 12 वोल्ट, ट्रांसफार्मर लगाना चाहेंगे तो उसमें फिर वो अलग बोर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, बैटरी वाला बोर्ड, ये वाला बैटरी वाला बोर्ड है जो बैटरी से ऑपरेट होने वाला है। दोस्तों इसका यहाँ पे लग जाएगा ये वायर, दूसरा नेगेटिव पे, डायोड के नेगेटिव पे। दोस्तों ये कनेक्शन हो गए यहाँ के, दोस्तों इसमें ये यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, उसके बाद में कभी जैसे प्रॉब्लम आती है तो ये उड़ेगा, इसको कभी चेक करेंगे जैसे बाद में कभी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों हम इसको ये 5 वोल्ट 7805 की सप्लाई है, इसको भी लगा देते हैं, यहीं पे लगेगी ये भी, जिससे हमें बार बार पीसीबी पलटनी नहीं पड़ेगी। एक इसमें माइनस पे लगेगा और एक प्लस पे लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। दोस्तों इसको डायोड की पिन पे ही लगा देंगे इसको भी, दोस्तों ये कनेक्शन तो हो गए हमारे इसके, और उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे स्पीकर के लिए, जो कि हम स्टीरियो वाली केबल ही हैं हमारे पास अवेलेबल, तो हम स्टीरियो वाली को ही लगाएंगे, जिसमें हमने ये प्लस वाले एक साइड कर रखे हैं और माइनस वाले इस पे एक, देखिए एक धारी हुई है, लगी हुई है, ये धारी धारी वाले एक जगह कर दिए हैं। स्टीरियो में क्या है, लेफ्ट राइट अलग अलग ऑडियो जाती है, तो उसके हिसाब से लगते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्पीकर का आउटपुट पे लगाना है, और एक एक कॉयल आती है इसके नीचे, हमने बॉन्ड टाइट आती है जो कि हमने कल शाम को ही डाल दी थी, जो सेट हो गई है, देखिए इससे क्या है कॉयल हिलेगी नहीं, और इस पर भी वाइब्रेशन वगैरह होता है तो ये टूटने का चांस रहता है इसका, हिलती है, इस वजह से इसके नीचे या तो ग्लू डाल दें या इस पे
देखिए हमने इसमें वो डाल दिया है, इसमें बॉन्ड टाइट जो मिक्स करके दो ट्यूब आते हैं उसको डाल दिया है ये वाला। तो इसका वायर एक इसके नेगेटिव पे यहाँ पे लग जाना है और एक इसके ये वाला सेक्शन है यहाँ पे स्पीकर के लिए आउट, जो कि यहाँ की कॉइल का एक तार निकल रहा है और इस पर कैपेसिटर लगा हुआ है ये पीले वाला, इसकी पिन पे लगेगा ये ऑडियो आउट के लिए। इसको हम सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो ये वायर लगेगी स्पीकर के आउट के लिए यहाँ पे, जहाँ से जो ऑडियो निकलेगी एम्पलीफायर की यहाँ से। देखिए अलग ही दे रखा है प्रिंट, ये वाला प्रिंट, इस पर ओनली दो प्रिंट हैं और एक रेजिस्टेंस ग्राउंड है, तीन प्रिंट हैं और ग्राउंड आपका ये हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों इसके लिए हम ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे, इस जगह से। जहाँ से आपकी ये वाली प्रिंट आ रही है ना, इसको आप ग्राउंड कहीं से भी कोई सी सही जगह से लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब रह जाता है हमारे लिए इसको बीटी कनेक्शन, जो कि बेस्ट्रबल वाले हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों इसको कनेक्शन। ये कॉम्बो कार्ड आता है, इसको कॉम्बो बोलते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधे घंटे में, आप आधे घंटे तो ज़्यादा है, 20 से 25 मिनट में आप एम्पलीफायर कंप्लीट कर सकते हैं इसको। दोस्तों अब आ जाता है हमारा बेस्ट्रबल, जो कि इसमें हमने कनेक्शन किए हुए हैं ऑलरेडी, थोड़ा टाइम बच जाए वीडियो में, ज़्यादा टाइम लंबा ना हो इसलिए। दोस्तों इसमें ये जनकार वाला है ट्रबल, और ये बेस है, और ये मिड है। दोस्तों इसमें आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे इनपुट के लिए, ये इनपुट, इधर वाला ये नेगेटिव है, और ये ऑडियो जो आती है ये अर्थ है, और आपका ये ऑडियो वाला ये तो इनपुट हो जाएगा और ये हो जाएगा आउटपुट। इसमें ये प्रिंट यहाँ से घुमा के दिया हुआ है, एक ही प्रिंट है, तो ये इसमें नेगेटिव नेगेटिव एक ही हो जाएंगे। और इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए सिर्फ आपको एक तार चेंज करना है, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, और इसके बाहर आप सीधे देख के नहीं लगा सकते हैं इसको, अगर लूज में लगाना है तो इस तरह से रखना है, और उसके बाद में ये वायर लग जाएगी। और अब आ जाते हैं इसकी सप्लाई, तो इसमें आप 30-0-30 से लेके 24 से लेके और आपका 50-0-50 तक आराम से दे सकते हैं इसमें। तो 4 के 7 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं इसमें, दो, और इसके पास में लगा हुआ है यहाँ पे डायोड, तो जिस पे डायोड लगा हुआ है रेजिस्टेंस पे उसको देना है आपको प्लस वाली सप्लाई, और जिस पे कोई भी डायोड नहीं है उस पे देना है माइनस सप्लाई। हालांकि इस पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे माइनस का है, और ये दे देनी है आपको 33-0-33, या फिर बड़ा एम्पलीफायर बोर्ड लगा रहे हो उसमें तो उसके हिसाब से आपको 45-45 या 50-0-50 में भी लगा सकते हैं, जिस हिसाब से एम्पलीफायर आप असेंबल कर रहे हो उस हिसाब से। दोस्तों इसको भी हम जोड़ देते हैं
और उसके बाद में हम इसको ऑन करके देखेंगे। तो ये सप्लाई हम लगाएंगे यहाँ पे, जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये दो, इस पर सप्लाई बनती है। और ये डायोड लगे हुए हैं, चार डबल डबल डायोड हैं, चार आठ डायोड हैं उस पर दोस्तों। ये इधर ये नेगेटिव, इधर ये नेगेटिव, तो इसमें बीच वाला तो हो गया नेगेटिव, दोनों पिन जुड़ी हुई हैं एक प्लस और माइनस की। तो इस पर तो हमारा लग जाएगा 4, चाहे तो इसको ऊपर से भी लगा सकते हैं डायोड पे, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी लग जाएगी अगर लगाना चाहें तो, पीसीबी को ना पलट के यहाँ से हो जाएगी। आपका माइनस वाला हो गया ये, और ये वाला प्लस का हो जाएगा। इसके प्रिंट वहीं पे पहुँचे हुए हैं दोनों के, घूम करके ये दोनों प्रिंट। इस हिसाब से लगा सकते हैं हम, तो इसको नीचे ही लगाएंगे। थोड़ा ये वायर लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव सप्लाई हो गई। और अदर वाली ये वाली पॉजिटिव सप्लाई है दोस्तों। देखिए इस कैपेसिटर के जस्ट नीचे लगा दिए हमने, बीच वाला ग्राउंड है, इधर वाला और इधर वाला। तो दोस्तों ये इसका ग्राउंड है जो इसकी बॉडी में, यहाँ पे इसको हल्का सा खुरच के हम सोल्ड करेंगे यहाँ पे, जिससे क्या है इसमें हमिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो जैसे एम्पलीफायर को कभी भी हाथ लगा देते हैं हल्का पुल्का, तो उसमें हमिंग की आवाज़ आने लग जाती है। तो इस वजह से इसको थोड़ा नॉइज नहीं आएगी इसमें। तो इसके लिए इसको हम इसकी बॉडी में सोल्ड कर देंगे कैबिनेट के नीचे। कभी भी इसमें अर्थिंग वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। नहीं तो नॉइज की प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें नॉइज प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है इस कार्ड में। आप ऑन करके छोड़ देंगे इसको, और कोई भी ब्लूटूथ या कार्ड वगैरह नहीं प्ले करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एम्पलीफायर आपका ऑन है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग दोबारा से बता देता हूँ। तो देखिए इसको एक बार हम इसमें पावर लगा लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है इसमें। तो दोस्तों इसमें हमने पावर लगा दिया है, देखिए इसमें, देखिए ये आ गई, ये तो आ गई आपकी 5 वोल्ट से ऑन है। यहाँ पे ब्लूटूथ पर कर लेते हैं हम इसको। और तो दोस्तों यहाँ पे ये है बीटी, जो कि रेजिस्टेंस इधर लगी हुई है। मीटर से हम चेक करा देते हैं कि इसको सप्लाई कौन से में कौन सी लगेगी। इसको डीसी पे कर लेते हैं 200 वोल्ट की रेंज में। दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए ये वाली, इधर माइनस आएगा और इधर प्लस। तो दोस्तों देखिए 65 वोल्ट आ रहा है, दोनों को मिला के आ रहा है। अगर हम इसको ग्राउंड पे देखिए, इसके ग्राउंड पे लगाएंगे तो आपका ये 32 वोल्ट इधर आ रहा है, और ये 32 वोल्ट माइनस में आ रहा है, ये माइनस और ये प्लस। इस पे तो देनी है आपको ये वाली सप्लाई, और बाकी के वॉल्यूम देना है वो इसके आउटपुट पे लगेगा, आउटपुट पे लग जाएगा ये वाला, और ये सॉकेट जाएगी आपका इसके इनपुट में, ऑडियो इनपुट में पे जाएगी। तो ये वॉल्यूम के थ्रू जाएगी, जैसे हम आप इसको लगा देते हैं, हमारा यूएसबी वॉल्यूम वाला कनेक्शन यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसकी इनपुट जो यूएसबी कार्ड से आएगी
वो ये वाली सॉकेट है इसमें, हालांकि एक पिन खाली रहती है इसमें, लेफ्ट राइट की जगह एक ही लगाते हैं, तो ये यहाँ पे लगेगी इसमें इनपुट साइड पे, यहाँ दे रखी है, और इसको लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए देखिए आ गया, देखिए ब्लूटूथ वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, FM mode, LINE mode, Bluetooth mode, FM mode, LINE mode, Bluetooth mode, FM mode, LINE mode। दोस्तों इसको ये मेन वॉल्यूम हो गया, ये सीधे यहाँ से वायर जाके बीटी के, पहले बीटी में जाएगी ऑडियो, उसके बाद में बीटी से निकल के यहाँ पे पहुँचेगी उसके बाद में, और ये हमारे बेस ट्रबल इसके काम करने लग जाएंगे। और ये मिड वाला है बीच में, जो डीजे के एम्पलीफायर वगैरह में आता है वो वाला है। तो दोस्तों इसको एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, वायर टोन वगैरह इसके कस देते हैं, उसके बाद में इसको चेक करके बताएंगे आपके लिए। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों इस तरह का लुक आएगा कुछ कंप्लीट होने के बाद में, देखिए ये यूएसबी कार्ड हमने कसा नहीं है, इसके पेज लूज पड़े हैं, इसको भी टाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें नॉब लगा लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम वाली, हमारे पास ये एक दो तो अवेलेबल हैं, उसके बाद में इसको दूसरी लगा देंगे। अब दोस्तों इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, देखिए और देखिए कितनी व्यवस्थित ढंग से लगा दिया है, इसकी वायरिंग भी कोई भी इधर उधर नहीं है, और ज़्यादा वायरिंग का झंझट भी नहीं है इसमें। नॉर्मली इसमें ये वायर होती हैं बस, और इसको आप घर पे ही कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम चेक करते हैं, थोड़ा लोड टेस्ट करते हैं, दोस्तों इसमें हमने 12 इंच हमने ये वाले स्पीकर इसमें लगाए हुए अटैच किए हुए हैं, मेरे ग्रीन वायर की। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं, हाँ तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसका पावर ऑन करते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये Bluetooth mode और आ गई इसमें, तो दोस्तों ऑन हो गया है, देखिए साउंड देखिए, दोस्तों इसमें साउंड है, बहुत जबरदस्त साउंड है ये।
दोस्तों, बहुत जानदार आवाज़ और शानदार एम्पलीफायर है, और इसमें 500 वाट, 200 वाट, 100 वाट और उसमें मिल जाएंगे कैपेसिटी में, जिस हिसाब से आप रिक्वायरमेंट होगी किसी भाई की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।